डेथ्स भी जो है बच्चों की जो कष्टदायक हैं, अत्यंत कष्टदायक हैं। हम इस बात की गहराई को समझ सकते हैं कि किसी भी माता पिता के लिए उसके छोटे बच्चे का मृत्यु का शिकार होना इतनी बड़ी तकलीफ का कारण हो सकता है और उनकी तकलीफ की कल्पना करके ही हम सबको बेहद तकलीफ होती है। ये मैं डॉक्टर होने के नाते भी बहुत गहराई से महसूस करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक ऑब्जर्वेशन तो ये की कि जो बच्चे हैं तकलीफ होने के बाद तकलीफ उनमें जो होती है उसमें बुखार होता है, उनको सीजर्स होते हैं यानी जिसको कन्वल्जंस कहते हैं, यहाँ की जो भाषा में यहाँ के जो गांव के लोग जो हैं उसको चमकी बोलते हैं, और अचानक ये सब होता है और ज़्यादातर जो मरीज हैं बच्चे हैं उनको हमने जितने भी 100 बच्चों के माता पिता की हिस्ट्री स्टडी की तो उसमें लगभग मैं समझता हूँ कि 85% से ज़्यादा तकलीफ सुबह सुबह शुरू हुई, किसी को 5 बजे हुई, किसी को दोपहर में 3 बजे हुई, मतलब रात को 3 बजे हुई, किसी को 6 बजे हुई, किसी को 7 बजे हुई, ज़्यादातर की हिस्ट्री इसी प्रकार की है। कुछ लोग सीधे खासकर बहुत जल्दी अस्पताल में आ गए, देखिए अस्पताल पहुंचने का डिस्टेंस कम था तो वो आधा घंटे में 1.25 घंटे में आ गए, यानी का डिस्टेंस ज़्यादा था तो उनको 2 घंटे लग गया। कुछ लोग यहाँ आने से पहले किसी दूसरे अस्पताल में चले गए और दूसरे अस्पताल में कुछ घंटा या कुछ दिन बिताने के बाद उन्होंने उनको रेफर यहाँ कर दिया तब वो यहाँ पर आ गए। लेकिन एक निष्कर्ष ज़रूर निकला कि जो समय पर आ गए उनके निश्चित रूप से अभी भी बहुत सारे आज मरीज मैंने देखे जो आज सुबह आए समय पर आए, उनके ट्रीटमेंट के बाद वो बहुत अच्छी रिकवरी में थे। तो सब तरह के मरीजों को मैंने देखा जो ऊपर थे क्रिटिकल वार्ड से रिकवर होते नीचे गए, जो आज आए या जो कुछ दिनों से, और जो कुछ अभी भी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। तो दूसरी बात ये देखी कि विषम परिस्थिति के बावजूद जो यहाँ के डॉक्टर हैं, यहाँ की नर्सिंग में समझता हूँ कि जिस प्रकार के प्रेशर में और जिस प्रकार की परिस्थिति में मैंने उनको काम करते हुए देखा, जो समय पर आ गए उनको बहुत ही इसे कहते हैं बेहतरीन तरीके से उनको ठीक करने का और उनको वापस स्वस्थ करने का काम भी डॉक्टरों ने और डॉक्टरों के साथ जुड़ी हुई व्यवस्था ने बहुत अच्छी तरह से किया। अब सवाल ये है कि इस तरह की परिस्थिति बार बार ना आए। और यहाँ मैं 2014 में भी आया था तभी इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि जो तकलीफ का कारण है जिसके कारण ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनके आने पर उनके ब्लड शुगर लेवल्स बहुत कम होते हैं, कुछ लोगों का बच्चों का सोडियम लेवल कम हो जाता है, कुछ थोड़े से ऐसे जिनको कि मोटे तौर पर थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है, और इसके कारण यहाँ पर 2014 में बहुत सारी थ्योरीज की बात होती थी इनके जो बीमारी होने के कारण या किसी वायरल इन्फेक्शन के कारण है, क्या ये किसी टॉक्सिक कारण से होते हैं, जैसे यहाँ पर एक लीची के बारे में बहुत बात होती है, और क्या
ये किसी मेटाबॉलिक कारण से होते हैं। यहाँ के कुछ डॉक्टरों की ऑब्जर्वेशन थी कि जब ये हीट और ह्यूमिडिटी और जो कि पराए सुबह से रात तक एक ही जैसी रहती है तो उसका दुष्प्रभाव होता है, यानी अलग अलग कारण अलग अलग उसके लिए, लगभग सभी कारणों के साथ किसी न किसी रूप से कन्विंस करने का लॉजिक भी। और इसके कारण जो सबसे बड़ी आवश्यकता आज भी है और हमेशा थी और हमेशा रहेगी, यहाँ पर मुजफ्फरपुर में विशेषकर और इसके अलावा किसी एक दूसरे स्थान पर एक इंटरडिसिप्लिनरी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट रिसर्च फैसिलिटी जरूर होनी चाहिए, जो केवल तकलीफ होने के समय पर ही रिसर्च नहीं, जो कंसिस्टेंटली कुछ वर्ष तक लगातार रिसर्च करे, उस रिसर्च के अंदर देश के अंदर जितनी संस्थाएं हैं इस काम से जुड़ी हुई, चाहे वो ICMR हो, चाहे वो NCDC हो, चाहे वो हमारे एम्स जैसे बड़े मेडिकल कॉलेजेस की रिसर्च एक्टिविटी हो, और फिर इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और CDC अटलांटा, इनके साथ उस समय भी हम लोगों ने संपर्क किया था। और ये सारी जितनी भी संस्थाएं हो सकती हैं, और फिर अभी तो पेपर साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है जहां मेडिसिन का हाई एंडेड रिसर्च होता है, ये सारी की संस्थाएं मिलकर इस विषय पर और इस विषय की जो गहराई और कारण है उसके ऊपर एक लगातार काम करें और किसी न किसी रूप में, जिस प्रकार से जब ये पता लगा कि ये जैपनीज एनकेफलाइटिस है और जैपनीज एनकेफलाइटिस के अलावा एक दूसरी वैरायटी AES है जो कि उसी प्रकार का कैफ्रोपैथी जैसा उसी तरह का मीठा मीठा सिंड्रोम है, लेकिन सीधे सीधे वो जैपनीज एनकेफलाइटिस के वायरस से प्रभावित नहीं होते। जैपनीज एनकेफलाइटिस के लिए सरकार ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैपनीज एनकेफलाइटिस को जोड़ दिया और सारे जितने भी प्रभावित इलाके हैं वहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जैपनीज एनकेफलाइटिस का टीका दिया जाता है। मैंने पता किया यहाँ पर भी काफ़ी प्रभावी ढंग से वो टीका दिया गया है, 70-80% तक हमें बताया गया कि उसका कवरेज है। तो एक तो ये रिसर्च सेंटर कुछ चीज़ों के लिए अभी हमने मंत्री जी से भी, जो मेरे दाएं तरफ बैठे हैं और जो सेक्रेटरी साहब हैं, और अस्पताल के लोगों से भी कमिटमेंट लिया है, और उसके लिए उनको एक साल की टाइमलाइन दी है और उस एक साल की टाइमलाइन के अंदर भारत सरकार हर तरह का उनको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियली भी और टेक्निकली भी। और एक तो कम से कम दो ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाई क्वालिटी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च सेंटर जो कि इस बीमारी के वास्तविक कॉज को नेशनल और इंटरनेशनल सभी स्टेक होल्डर्स के साथ जो रिसर्च के साथ जुड़े हैं, इंक्लूडिंग माई साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, इसके ऊपर काम करेंगे। दूसरा, हमने देखा कि यहाँ जो अभी पीडियाट्रिक ICU की जो, जिसको कि आपने देखा कि जगह जगह लिखा है P2-1, P2-2, P2-3, P2-4, जो व्यवस्था है वो अभी अस्पताल की बनी हुई व्यवस्था के अंदर ही क्रिएट की गई है, मुझे लगता है कि वो शायद पर्याप्त नहीं है। यहाँ पर कम से कम 100 बेड का एकदम नया, इस बिल्डिंग से भी अलग इसी कैंपस के अंदर एक पीडियाट्रिक ICU बनना चाहिए, और ताकि ये जो अस्पताल की व्यवस्थाओं के अंदर जो पीडियाट्रिक ICU बनाया गया है
उस आईसीयू के ऊपर मैं समझता हूँ कि जब तकलीफ आती है तो बहुत बड़ा स्ट्रेन होता है, जो मैंने स्वयं उस समय देखा। इसलिए एक एक्सक्लूसिव पीडियाट्रिक आईसीयू बनाने के लिए इनको हमने सरकार को रिक्वेस्ट किया है, मुख्यमंत्री जी से ये भी कहा है कि वो ये फास्ट ट्रैक पर सुनिश्चित करें कि अगले साल मई जून के महीने में जब ज़्यादातर इस तरह के केसेस, यद्यपि ये केसेस थोड़े बहुत जनवरी से भी आते हैं लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में, जो पिछले 5-6 साल के हमने डाटा स्टडी किया है, इनकी जो बर्थडे का जो सीज़न है वो मई के आसपास शुरू होता है, मई के लेटर पार्ट में, जून में ये इसकी पीक होती है। तो अगले साल तक ये जो पीडियाट्रिक आईसीयू की यहाँ पर एक्सक्लूसिव बिल्डिंग ये तैयार होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो क्योंकि ये बीमारी और इस बीमारी के साथ जुड़े हुए जो संभावित फैक्टर्स हैं उसमें वायरस का रोल, क्योंकि जिस तरीके से ये बीमारी सडनली आती है, गर्मी के महीनों के अंदर आती है और जब देखते हैं जब आती है तो महीने देर दो महीने के लिए आती है और एक साथ जो है बहुत सारे बच्चे प्रभावित होते हैं, तो उस समय जो दिखने वाली चीज़ें होती है वो तो गर्मी है और ह्यूमिडिटी है, जैसे आज भी हमने अपने मौसम विभाग से पता किया है या 60-70% ह्यूमिडिटी है आज की तारीख में भी है, वो तो गर्मी भी होती है। लेकिन जिस तरह का इसका पैटर्न है, उस पैटर्न में जब एक साथ इतने सारे लोग प्रभावित होते हैं बच्चे, तो कहीं ना कहीं नज़र आता है कि कोई ना कोई ऐसा वायरस भी हो सकता है जो कि शायद गंभीर तरीके से उसकी जो जानकारी नहीं मिल पा रही है, उसका क्या नेचर है, क्या किसी वायरस के अंदर कोई म्यूटेशन हुआ हुआ है जो नहीं सिस्टम के अंदर पता लगता है। तो यहाँ पर एक बिहार में जो वायरोलॉजी के लिए आप हम सब जानते हैं कि उसकी सबसे बड़ी लहर जो है वो पुणे के अंदर है, और इसके अलावा अभी पिछले समय में यहाँ एम्स पटना के अंदर भी एक वायरोलॉजी की लैब जो है वो क्रिएट कर दी गई है। मुझे खुशी हुई जानकर कि यहाँ पर भी मुजफ्फरपुर में भी काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके वायरोलॉजी की लैब के लिए क्रिएट हुआ है, उसके अंदर भी अभी जो एक्सपर्ट्स हैं उनके आने की आवश्यकता है। तो इस पूरे बिहार में 4-5 जगह पर स्टेट ऑफ द आर्ट वायरोलॉजी लैब, और जिसमें सबसे प्राथमिकता के ऊपर उसके लिए भी हमने कहा है कि वो तो शायद जल्दी ही और कुछ ही महीनों के अंदर उस काम को जो है पूरा करके उसको वायरोलॉजी के लैब का जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर पूरा करना है। ये 3 तो काम ऐसे जो कि 1 साल के अंदर अंदर इनको पूरे करने के हमने कहा है। इसके साथ साथ जो दूसरे फैक्टर्स जो ध्यान में आए हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो बीमारी है उसमें जैपनीज एनकेफेलाइटिस के भी केसेस हो सकते हैं, एईएस तो होता ही है, और उसके जो ट्रांसमिशन होता है उसका एक ओलेक्स मॉस्किटो से होता है, उसको जो मॉस्किटो का जो एक तरह से एंटोमोलॉजिकल सर्वेलेंस है सारे इलाके के अंदर, उसको सुदृढ़ करने के लिए अभी ऑलरेडी उसके लिए हमने कहा है कि इसकी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट व्यवस्था इन सब आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में भी क्रिएट होनी चाहिए। फिलहाल उसको ICMR पटना के माध्यम से उसको प्रारंभ करा दिया गया है। इस डिस्ट्रिक्ट के लिए कंटिन्यूसली लगातार एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हो, उसके लिए यहाँ पर तुरंत एक एपिडेमियोलॉजिस्ट का यहाँ पर जो पोस्टिंग है इंतज़ाम है वो होना चाहिए। अस्पताल से जुड़े हुए जो पीडियाट्रिशियंस हैं, नर्सिस हैं, या जो और दूसरा स्टाफ है, रेजिडेंट्स हैं, उनको डिटेल्ड जिस भी प्रकार की और ये जो ICUs को वेंटिलेटर्स को, क्योंकि वेंटिलेटर्स भी हैं यहाँ पर, कुछ काम में लगाए गए हैं, कुछ को भी काम में लगाए जा रहे हैं और आगे भी उनको बढ़ाने की प्रक्रिया होनी चाहिए। तो एक एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग भी जो है उसकी भी प्रक्रिया स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। साथ में जो हमारे यहाँ पर EACs हैं, CACs हैं, यहाँ पर बच्चों को लेकर
दौड़ते हैं माँ बाप। यहाँ पर 2014 में जब हम आए थे तो हमने याद होगा आपसे बात किया था कि इन सब जगहों पर जो है ग्लूकोमीटर होना चाहिए, वो ग्लूकोमीटर जो है सब जगहों पर ये चीज़ पर हो गया है। लेकिन ग्लूकोमीटर से ये डिटेक्ट हो जाए कि ब्लड शुगर कम है तो बड़ा क्रिटिकल होता है कि अगर उस बच्चे को तुरंत अगर ग्लूकोज का बोनस दे दिया जाए तो उसके जो है एक प्रकार से ठीक होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और अगर उसको देने के लिए अस्पताल तक पहुँचेगा तब तक बीच में बहुत समय निकल गया तो उसके बीच में उसका ब्रेन डैमेज होने की संभावना रहती है और उसके कारण उसके प्राणों पर भी खतरा बन जाता है। इसलिए हमने मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है कि आने वाले वर्षों में खासकर इन 3 महीनों के अंदर इन PHCs के ऊपर बहुत ही हाईली मोटिवेटेड, डेडिकेटेड और कमिटेड प्रोफेशनल उनको इंसेंटिवाइज किया जा सके तो इंसेंटिवाइज करके ऐसे डॉक्टर्स का प्रबंध ज़रूर होना चाहिए जो इस प्रकार के गरीब बच्चों के माता पिता की सहायता से अगर ब्लड शुगर लेवल उनका कम है या उनको सीजर हो रहा है उनको, तो वो वहाँ वहीं पर उनको एक ग्लूकोज का बोलस IV दे सकें या वहीं पर उनको इंटरक्टर जो है कॉम्पोज वगैरह दे सकें ताकि जो समय आने के अंदर अस्पताल के अंदर खर्च होता है और उसके कारण जो नुकसान होता है बच्चे के प्राण पर जो खतरा बनता है उससे हम इन बच्चों के प्राणों की और बेहतर तरीके से रक्षा कर सकें। यहाँ पर ऑलरेडी जो अस्पताल में न्यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि ऐसे बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए पीडियाट्रिशियन के अलावा आवश्यक हैं, लेकिन हमने अस्पताल में जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक हमारी भारत सरकार ने ही सेंक्शन किया था जिसका काम भी हो रहा है, उसको भी हमने कहा है कि उसको भी तेज़ी से एक्सपेडाइट करके आने वाले अगले 4-5-6 महीने में उसको ख़त्म करने का भी, यहाँ आपसे मिलने के बाद हम उसको भी एक बार विजिट करेंगे, उसको भी तेज़ी से ख़त्म करना चाहिए ताकि यहाँ जो इस तरह की प्रॉब्लम को एसिस्ट करने वाले कॉम्प्लीमेंट्री डिपार्टमेंट्स हैं न्यूरोलॉजी वगैरह के वो सारे के सारे भी उनकी भी व्यवस्था हो जाए, क्योंकि तो बहुत कुछ बीमारी का संभावित रोल गर्मी और ह्यूमिडिटी इत्यादि से है। इसलिए हमने हमारा जो एक तीसरा मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज तो पिछले 2-3 साल से हीट के बारे में संभावित हीट से हीट स्ट्रोक से होने वाली समस्याएं या जो बड़े हीट स्ट्रोक वगैरह आने की प्रॉब्लमिटीज होती है उनके बारे में फोरकास्ट भी करता है पहले से, और उसके साथ साथ जो जो इंटरेस्टेड स्टेट गवर्नमेंट्स होती है उनके साथ एक एक्शन प्लान भी बनाता है उन स्टेट्स की मदद करता है। तो वो भी हम अपने आज साइंस मंत्रालय की मदद से बिहार की सरकार को उस प्लान को बनाने में मदद करेंगे, और साथ में जो हमारी यहाँ पर IMD की जो ऑब्जर्वेटरी है इस मुजफ्फरपुर में उसको आने वाले समय के अंदर हम उसको अपग्रेड करेंगे, हमने अपने अधिकारियों से बात की है ताकि क्योंकि ये क्रिटिकल एरिया है और यहाँ पर ह्यूमिडिटी और इस टेम्परेचर के बढ़ने के कारण जो है बीमारी के होने की संभावनाओं से लिंक है, तो उसकी जितनी भी मैक्सिमम समय अपने तरीके से रेगुलर जानकारियाँ लोगों को दे सकें वो जानकारियाँ हम उनको दे सकें। तो कुल मिलाकर जो जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें और भी बहुत सारे सुझाव आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इत्यादि के लिए जो बच्चों के PHC से यहाँ तक आने के लिए और ज़्यादा सिस्टम को स्ट्रेंथनिंग कैसे की जा सकती है, एम्बुलेंसेज जो है उनको क्या हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से इक्विप कर सकते हैं कि जो अगर गंभीर अवस्था में भी बच्चा यहाँ पर आ रहा है तो रास्ते में भी उसकी कुछ हेल्प हो सकती है। तो इस सारी जो तकलीफ़ है उसका एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव व्यू हमने लिया है, गहराई से समझने की कोशिश की है कि क्या क्या और होना चाहिए, जो उनके लिए हमने टाइमलाइंस सेट की हैं अपने बिहार के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मिलकर और उनके सेक्रेटरी साहब जो हैं संजय जी उनके साथ कंसेंट लेकर,
मैं उम्मीद करता हूँ कि देखिए जो बीमारी है उसके बारे में कोई वो किस दिशा में किस प्रकार से बढ़ेगी, कितना अपना वो प्रकोप दिखाएगी, ये कोई भी पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकता। लेकिन हम बीमारी की जितनी समझ जानते हैं या समझ पाते हैं, उसके लिए आज के इस मॉडर्न युग में जितने भी मॉडर्न टूल्स हैं, चाहे वो रिसर्च के हों चाहे वो ट्रीटमेंट के हों, उनको हम कैसे बेहतरीन ढंग से अपने मरीजों के लिए अपनी स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सुदृढ़ कर सकते हैं, ये निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य भी है और धर्म भी है। हम लोग आपको और आपके माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को, जो भी खासकर इस बीमारी से बच्चे उनके माँ बाप प्रभावित हो रहे हैं, उनको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भारत सरकार इस तकलीफ से जूझने के लिए और इस तकलीफ को एक प्रकार से गहराई से समाप्त करने के लिए जो कुछ भी संभव है वो सब कुछ हम करेंगे। सब प्रकार का सहयोग बिहार की सरकार को देंगे और जैसा मैंने कहा कि फाइनेंशियल सहयोग भी करेंगे, टेक्निकल सहयोग भी करेंगे। और मैं स्वयं अपने अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत तौर पर और चौबे जी को भी कहूँगा, वो तो बिहार के पहले स्वास्थ्य मंत्री भी रहे हैं, मंगल पांडे जी जो है वो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और साथ में बिहार के सीनियर लीडर भी हैं, तो हम इसको सबको व्यक्तिगत तौर पर समय समय पर लगातार इसको मॉनिटर करेंगे और जो जो इस संदर्भ में गतिविधियाँ होती जाएंगी उन सबसे आप सबको हम पूरी तरह से अवगत करा के रखेंगे। मैं अभी जो बच्चे अस्पताल में अस्वस्थ हैं उनके स्वस्थ होने की कामना भी करता हूँ, उसके लिए भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। और जो बच्चे हमने कष्टदायक परिस्थितियों में खो दिए हैं, उन बच्चों के माता पिताओं के प्रति, उनके रिश्तेदारों के प्रति भी अपनी सरकार की ओर से और हमारे बिहार के सभी साथियों की ओर से अपनी संवेदनाएँ भी व्यक्त करता हूँ। आज के अवसर पर मुझे नहीं कहना है, आप सबने सुबह से हमारा साथ दिया, इसके लेकिन सर जिम्मेदार कौन है आखिर? आपने एक साल का ग्रेस पीरियड दे दिया, इंस्टीट्यूट बनेगा, रिसर्च होगा, लेकिन इतने बच्चे जो मरे हैं कहीं तो लैप्स हुई होगी सर, हल्का पीछे कर लो। देखिए आप अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो देखिए समझ में आ जाएगा, अगर आप समझना नहीं पाएंगे तो हमने जब बताया आपको कि सारी आपको चीज़ मैंने एक्सप्लेन करती हूँ, चार घंटा समय इसीलिए लगाया है कि जो उसकी बीमारी की जो एटियोलॉजी है हम उसको और ज़्यादा या उसके अंदर किस लेवल तक हम पहुँचे हैं, उसमें जो जो कुछ देखिए जो जो व्यवस्था कर सकती है। मैंने आपको कहा कि विषम परिस्थितियों के अंदर भी जो है यहाँ के डॉक्टरों ने सबने मिलकर जिस प्रकार से अपना योगदान दिया है वो वास्तव में सराहनीय है। आप उसको डिसाइज करने के लिए तो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने स्वयं देखा कि इतनी कठिन, मैंने भी अस्पतालों में काम किया है, ऐसा नहीं कि मैं समझता हूँ कि जो जितनी विषम परिस्थिति में और जितने तेज़ी से जिस संख्या के अंदर ये बच्चे जो है जब ये एपिडेमिक आता है और ये प्रभावित होते हैं और जितनी मुस्तैदी से उनको ठीक करने का प्रयास किया गया, वो तो कोई भी जो बच्चा अपने प्राण गंवा गया है उसके लिए किसी को भी कोई दुख नहीं होगा, सबको किसी को भी कोई मतलब सभी को उसमें तो सिवाय अफसोस और तकलीफ तो और कुछ नहीं होगा। आपको भी हम समझते उतना ही है और आप विश्वास करिए हमको भी आपके जितना ही हर्षवर्धन जी। एक मिनट हर्षवर्धन जी, कल मैं आईसीयू में था रात में और आईसीयू में डॉक्टर ऐश्वर्या थे ड्यूटी पर,
जब आईसीयू में दो बच्चों की डेथ मेरे सामने हुई उस समय डॉक्टर नहीं थे, सिर्फ नर्स थी, और जब डॉक्टर ऐश्वर्या आए तो उन्होंने कहा जो टीवी 9 भारतवर्ष के यूट्यूब चैनल पर है, चैनल पर चला, क्योंकि आप डॉक्टर ही जानना जरूरी है, उन्होंने कहा हमारे पास आईवी वेल प्रो 8 जो सेकेंड लाइन की दवा है वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास आईवी फेनी ट्वाइन नाम की सिर्फ एक दवा है जो दवा बेअसर हो जाती है, और उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ लेवल की कोई दवा हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा कि उसके बाद जो इसका प्रोटोकॉल होता है मेडिसिन का और इलाज का वो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा जो यह नर्सेज हैं ये सारी ट्रेनी नर्सेज हैं, स्टूडेंट नर्सेज हैं, और हम बुरी तरह से डॉक्टर्स की कमी, दवा की कमी, नर्सेज की कमी और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहे हैं, हम क्या। देखिए जो भी मैंने भी आपको कहा कि जो टेम्परेरी यहाँ पर ट्रैफिक आईसीयू बनाया गया है उसी वजह से तो मैंने कहा कि विषय परिस्थिति में वो काम कर रहा है। मुझे किसी ने भी कम से कम 100 मरीजों से मैंने बात की है, सबकी केस शीट स्टडी की, जो उनको दवाइयाँ जो थी सारी की सारी दवाइयाँ भी उस पर लिखी हुई हैं, सारी दवाइयाँ चल भी रही हैं, तो आपको किसने कौन सी दवाई के बारे में कहा। लेकिन अगर कोई मान लीजिए दवाई आपकी बात ही मान ले रही है, यहाँ कौन सी दवाई, मुझे पूरे 4 घंटे में कोई किसी ने कोई पर्टिकुलर दवाई के बारे में, और मैंने जो डॉक्टर से जो चर्चा की है वो कोई अपने स्वास्थ्य के अधिकारी के नाते नहीं किए, मैंने बिल्कुल एक्सप्लोर भी प्रोफेशनल लेवल पे एकदम फ्रैंक डिस्कशन किया है, फ्रैंक ही सबसे समझने की कोशिश की है, जो कमी है उसको भी जो है समझने की कोशिश की है, उसके आधार पर सारे निर्णय किए हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि अगर मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो उससे पहले छोटा सा सवाल और हर्षवर्धन जी, चूंकि आप दिल्ली से आए, अश्वजय चौबे भी हैं और ये बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और 70-80 बच्चे इस अस्पताल में मरे हैं, मैं भी दिल्ली से सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि हमें जिज्ञासा वहाँ से लाई क्यों मर रहे हैं। सवाल उतना लगता नहीं है कि बर्थ की कमी, डॉक्टर्स की कमी, जो पैथेटिक सिचुएशन है, अगर इतना सीरियस है, जो 2014 में भी आप आए और तमाम बातें 2014 में भी आप की, तो इतना बड़ा इंतजाम होना चाहिए जो आप तीनों लोग हैं, बहुत 24 घंटे का काम है, इतनी पैथेटिक सिचुएशन क्यों है, इतनी क्लियर क्यों है। आप देखिए, हमें इसलिए कहना, देखिए आप अस्पताल में देखिए भीड़ कितनी है, और अस्पताल में इसके बावजूद भी मैं 6 वार्ड्स के अंदर हो गया है जहाँ की उन्होंने पीडियाट्रिक आईसीयू जैसी योजना क्रिएट की, तरह लास्ट स्पॉट था जहाँ पीडियाट्रिक आईसीयू से ठीक करके और उन्होंने जो है जनरल वार्ड के अंदर बच्चे को अंतिम शिफ्ट किया। इतनी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं, सारी वहाँ मॉनिटर भी लगे हुए हैं, सारी चीज़ें लगी हुई हैं, इसीलिए हमने इससे बेहतर व्यवस्था हो इसके लिए इनको ऑर्डर किया है, या इनको सुझाव दिया है, या इनका कंसेंट दिया है, या इनको जो है बात के लिए तैयार किया है कि साल भर के अंदर इसी कैंपस के अंदर जगह निकाल कर स्टेट ऑफ द आर्ट एक्सक्लूसिव, आप एक और जो आपने क्रिएट कर रखा है इसको भी आप रखे रखिएगा, लेकिन एक और आप 100% जो है, और इसके अलावा हमने ये भी कहा है खाली यहीं पर नहीं, जो आसपास के डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पर भी कुछ जगह, शायद मैंने कल भी दिया है, मुझे बताया 10-10 बेड के जो है पीडियाट्रिक के आईसीयू जो है आप सब जगह क्रिएट करिए, हमारी सरकार उसके लिए पैसा देगी, और भी जो तो जगह किया है मुझे बताया इसके बारे में सीएम बता रहा है। 5 साल लगे सर, प्लीज मुझे पूछने दीजिए, मेरा नाम प्रियंका दुबे है, मैं बीबीसी में काम करती हूँ, मेरा एक सवाल, आपने बहुत बड़े बड़े मुद्दों की बात करी, मगर जो मैंने इम्पोर्टेंट मुद्दों स्टेट ऑफ द आर्ट, लेकिन अभी यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि पानी के पॉइंट फंक्शनल उपलब्ध नहीं है, यहाँ पूरे अस्पताल में फंक्शनल ड्रिंकिंग पानी के पॉइंट्स नहीं है। पानी, एक मिनट सर प्लीज, मुझे अपना सवाल खत्म करने दें, मैं अपना सवाल खुद पूछ सकती हूँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ सर, यहाँ पे फंक्शनल पानी के पॉइंट्स नहीं है, मरीज अपना पानी लेने के लिए बाहर जा रहे हैं, पानी खरीदने के लिए मरीज जो डायबिटीज के मरीज हैं, मैं जिस विषय के लिए आया था उस विषय का अध्ययन सुन तो लीजिए ना, आप उससे हर एक छोटी छोटी चीज की बात करेंगे कि वहाँ पर तो कुछ नहीं है, वहाँ नहीं है, आप समझने की कोशिश करें, प्लीज 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 फोकस ऑन द मोर सीरियस इशू, ज्यादा फुल डाइवर्ट, ये आपको मेंटल सुपर मैंने आज
जो भी 14 में आया था मैं उसके बाद जो है अभी मुझे 15 दिन के पहले मुझे जिम्मेदारी मिली है और 15 दिन के पहले जिम्मेदारी मिलते ही बोर्डिंग मुझे एकदम लगा। मैंने आके देखा पूरी गहराई से उसको समझा है, सारे अधिकारियों से बात की है, मंत्री जी से बात की है, बिहार के अपने यहीं के लोकल मंत्री हैं, मेरे सहयोगी हैं भारत सरकार में उनसे बात की है, हमारे जो है एडिशनल सेक्रेटरी सीनियर मोस्ट एडिशनल सेक्रेटरी हैं उनसे बात की है, हमारे उधर जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे बात की है, सबसे बात करके और टाइम लाइन से तय करके अब मैंने आपको कहा कि मैं स्वयं प्रैक्टिकल तौर पर जो जो चीज़ें यहाँ पे इम्प्रूव करनी है अपग्रेड करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको कह रहा कि विषम कम परिस्थितियों के बावजूद भी जिस प्रकार से डॉक्टरों ने यहाँ पर इलाज की व्यवस्था की है उसकी आप कम से कम सराहना करने में मत संकोच करिए। हो सकता है कि इतने भीड़ इतना ज़्यादा है यहाँ अस्पताल में, आप खुद ही देख रहे हैं कितनी भीड़ है, एक बेड के ऊपर जो है अस्पताल का मैंने ही आगे सेंचर किया था, हमारी सरकार ने यहाँ की प्रदेश सरकार के कारण वो ब्लॉक जो है लगभग बनकर तैयार हो गया, ऐसे थोड़ी है कोई सारे देश भर में सारे देश भर में 5 साल के अंदर 21 बड़े बड़े एम्स खड़े कर दिए भारत सरकार ने, 100 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को मेडिकल कॉलेजेस में परिवर्तित कर रहे हैं, हजारों सीट जो है ये मरीजों की भीड़ है तो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और उसके कारण जो हमें बड़े बड़े ये सारा हमारी सरकार ने 5 साल में भारत सरकार ने पूरी स्टेट गवर्नमेंट को इतना सपोर्ट किया है कि हमको समस्या